नोएडा के ओमेक सोसाइटी में रहने वाली एन अग्रवाल के साथ बदसलूकी करने वाला गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन मामले में जमकर सियासत की जा रही है। त्यागी समाज इस पर विरोध जता रहा है। इसी बीच बीते दिनों एना ने एक वीडियो बनाकर शेयर किया, जिसमें उन्होंने श्रीकांत के बहन वाले बयान और त्यागी वर्सेस अग्रवाल करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। What happened with me, everybody saw on tweeters and on videos. It was bad what happened with me, but the person who did it is getting punishment for that. Saying me, your sister won't help. Saying sorry won't help. Britishers चले गए, अंग्रेज चले गए और word छोड़ गए sorry. आप किसी का murder कर दोगे और sorry बोल दोगे, that will not help. What you did was wrong and you're getting punishment for it. You're in jail. What you did, जो आपने कंस्ट्रक्शन इलीगल किया था वो सब टूट गया है। योर फैमिली इज सफरिंग व्हाट सिन यू डिड एंड बहुत सारे यू सेड कि मैं कुछ भी कर दूंगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। मेरी पूरी सोसाइटी मेरे लिए खड़ी थी, पूरा वर्ल्ड इज स्टैंडिंग फॉर मी। श्रीकांत त्यागी की गाली और धमकियों का शिकार बनी एना अग्रवाल ने कहा कि उन्हें अब बहन कह देने से काम नहीं चलेगा। किसी का मर्डर कर दो और फिर सॉरी कह दो, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि श्रीकांत को उसके किए की सजा मिल रही है। जाति को लेकर हो रही राजनीति पर भी एना ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी त्यागी बुरे होते हैं या सब अग्रवाल बहुत अच्छे होते हैं। एना ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ भी की और कहा कि पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी है। बट यस, आई वॉन्ट टू से वन थिंग, प्लीज डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल इशू। प्लीज, इट इज नॉट रिलेटेड टू कास्ट, क्रीड और एनी कल्चर। इट इज अबाउट दैट पर्सन। ऐसा नहीं है सब त्यागी खराब होते हैं या सब अग्रवाल बहुत अच्छे होते हैं, सब बनिए बहुत अच्छे होते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट कि सारे बीजेपी वाले खराब हैं। आई डोंट नो वेदर वो बीजेपी से थे कि नहीं थे, बट हाँ, उन्होंने हमारी सोसाइटी में डर बना रखा था कि हम बीजेपी से। तो इट इज नॉट, आई ट्रस्ट मोदी जी, आई ट्रस्ट योगी जी, दे हैव डन वंडर्स फॉर कंट्री एंड दे विल डू वंडर्स। सो प्लीज डोंट ब्लेम बीजेपी, प्लीज डोंट ब्लेम त्यागी। All Tyagis are not bad. It is just him who was bad. And it is not ki anpadh hai, kisan hai, to they don't have manners. Aisa nahi hai. Chote chote thele wale hote hai, chote chote rikshe wale hote hai. They have so many respect for women. They have so, matlab, they know how to talk. ऐसा नहीं है कि पैसा आने से तमीज आ जाती है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बहुत बहुत अमीर लोग होते हैं जिनको नहीं पता हाउ टू टॉक टू वुमेन और हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। बता दें, श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज लामबंद होने लगा है। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर और बिजनौर में ऐसा ही मामला देखा गया, जहां त्यागी समाज बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता दिखा। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से राहत फिलहाल नहीं मिली है। सूरजपुर कोर्ट ने सेक्शन 420 के मामले में श्रीकांत त्यागी की बेल को खारिज कर दिया। श्रीकांत त्यागी और उसके साथी राहुल पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है, जिसके चलते दोनों को कोर्ट ने बेल नहीं दी। श्रीकांत त्यागी के मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 8 लोगों को जमानत दे दी गई है। 6 युवक वो है जो श्रीकांत के समर्थन में सोसाइटी में घुसे थे, जिसको लेकर बवाल भी मचा था। श्रीकांत के 2 और साथी नकुल त्यागी और संजय को भी कोर्ट से जमानत दे दी गई है। श्रीकांत ने 3 साल पहले अपना गाँव भंगेल छोड़ दिया था और सेक्टर 94 में रहने लगा था। जानकार और पड़ोसी बताते हैं कि उसके घर में तमाम बड़े अफसरों का आना जाना रहता था। कई वीवीआईपी गाड़ियां घर के बाहर खड़ी रहती थी। आसपास रहने वाले लोग उसे बीजेपी का नेता समझते थे। हालांकि इस मामले के बाद पार्टी ने साफ किया कि श्रीकांत का बीजेपी से कोई नाता नहीं है। नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ गाली गलौच की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी महिला को धक्का देता भी दिख रहा था। वीडियो वायरल होने पर दावा किया गया था कि आरोपी खुद को सत्ताधारी पार्टी का नेता बताकर अक्सर सोसाइटी वालों पर रौब झाड़ता था और इसका फायदा उठाकर उसने सोसाइटी में अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया।